हेलो दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज जा रही हूँ मैं दिल्ली थोड़ा दर्शन करने शनि देव के। तो अभी हम निकल पड़े हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और बाकी बच्चे लोग स्कूल। तो अब चलते हैं आगे। अभी हमारा रास्ते में चालान कट गया क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे चालान कट गया। अभी ये गए हैं बाहर। हमारा ऐसे जगह में चालान कटता है जहाँ पे मतलब कुछ वही नहीं होता, क्या बोलते हैं, जहाँ पे लगता ही नहीं है कि चालान कटेगा। तो अभी हमारे यहाँ पे चालान कट चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा चालान कटा था ये नजफगढ़ रोड पर, और यहाँ पे 50 की स्पीड पे, मतलब 50 की स्पीड पे चलाना था और हमारी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 68 थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि खाली रोड थी उसके बाद भी मतलब चालान कट गया। यहाँ चल रही है फॉग मशीन क्योंकि हो गया बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। अब हमें लग गई थोड़ी सी भूख, तो अब हम चलते हैं शॉप है, यहाँ पे एक है बर्फ़ी वाला, श्री बालाजी बर्फ़ी वाला। अब यहाँ चलते हैं। वेलकम। यहाँ पर हो रही है मिठाई टेस्ट, सारी मिठाई कर ली टेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं अभी मिठाई। क्या बोलते हैं इस मिठाई को? मलाई रसभरी, मलाई बर्फी। तो अभी हमने ली यहाँ पे मलाई बर्फी और अभी लेंगे लड्डू। लड्डू कहाँ है? अच्छा, ये पंजीरी है क्या? अच्छा, गोल। अच्छा, ये बेसन और ये है तिल के लड्डू। गोंद के टेस्ट कर लेंगे। हाँ, खेलें तिल के, गोंद के करा दो टेस्ट। गोंद के करा देंगे, गोंद के लड्डू टेस्ट किए जा रहे हैं अभी। तो पसंद यहाँ पर आए तिल के लड्डू। तो भाई मुझे तो काफ़ी शौक है मिठाई खाने का, तो हमने यहाँ पे मिठाई ले ली और एक मुझे घूमने का, खाने का और पहनने का, ये बहुत ज़्यादा शौक है। तो अभी हमने यहाँ पे मिठाई ले ली और थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेंगे क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है सुबह से। तो वैसे हमने वहाँ पर चाय पी ली थी और ब्रेड पकौड़े खाए थे शनि धाम में, और वहाँ पे दीपदान कर लिए थे हमने, दीपदान किए और फिर हम मंदिर से निकल गए थे। और अब यहाँ पे ले रहे हैं देसी लस्सी, तो लस्सी पी लेते हैं थोड़ा और देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये रही लस्सी और काफ़ी टेस्टी है। कौन लस्सी वाले? ये देसी लस्सी, देसी लस्सी विद मिठाई, विद बर्फी, विद बर्फी, देसी लस्सी विद बर्फी। यहाँ पे जो देसी लस्सी थी वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत टेस्टी। और ये ना यहाँ पे खुद ही बनाते हैं, अंदर उनकी बड़ी बड़ी मशीन रखी थी, वहीं पे मिठाई बनाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी मिठाई थी यहाँ पे। तो ये रही नजफगढ़ की सड़क। ये रही गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एकदम मस्त है इधर एरिया, काफी सुंदर है।
ये है लाइटर बिल्डिंग, ऑफिस है ये सारे लाइटर के आकार, लाइटर के आकार में। इसका नाम रखा है लाइटर बिल्डिंग, है ना। सुंदर है, काफी अच्छा। और ये बिल्डिंग देखो जैसे टेढ़ी बन रखी हो, बाहर से ऐसी लग रही है बिल्कुल टेढ़ी सी। रात तो ऐसे लग रहा है कि गिर रही हो, रात का नजारा तो ऐसा लगता है बाहर देश में। मेरे पति तो बोल रहे हैं रात का नजारा कुछ ऐसा होता है कि जैसे बाहर देश पहुंच गए हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स ही लाइट्स होती है काफी, काफी सुंदर लगता है। रात के टाइम मैं नहीं आ रखी यहाँ पे, लेकिन मेरे हस्बैंड काफी टाइम आ चुके हैं। काफी सुंदर एरिया है, बहुत सारे ऑफिस ही ऑफिस है यहाँ पर। साफ सुथरा लगेगा, और ऊपर देखो ये ब्रिज जा रहा है वो कितना सुंदर, उसमें भी पूरे फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं ऊपर। ये देखो उल्लू उल्लू उल्लू, यहाँ पर अब कर लो हनुमान जी के दर्शन। जय हो बजरंग बली की। ये काफी बड़ी मूर्ति है, दूर दूर से भी दिख जाती है ये। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं फोटो वगैरह लेने और दर्शन करने भी। तो ये रही बड़ी सी मूर्ति, और इसके ही बगल पर है मंदिर एक। ये आता है फरीदाबाद से गुड़गांव जाते टाइम, तो रास्ते में पड़ता है मंदिर, काफी अच्छा मंदिर है ये। कई बार हम ऐसे भी आते हैं यहाँ पे मंदिर में ही, मतलब फोटो लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, खुला सा एरिया है काफी। अब हम पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।